नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी कैंथ एंड आज मैं आपके लिए काफी बड़े टॉपिक पर बात करने आया हूं जिसका नाम है पुअर माइंडसेट। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 पावरफुल टिप्स दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इनमें से एक भी कमजोरी है तो उसे आज ही अपनी लाइफ से उखाड़ कर दूर फेंक दीजिए, अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, तो मेरी ये वीडियो पूरी जरूर देखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली आगे वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल सके। टिप्स नंबर 1, स्पोर्ट्स। कुछ लोग घर में बैठकर 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे बैठकर क्रिकेट मैच देखते हैं। वो इंडिया को जिताने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। घर में बैठकर वो खाना पीना भूल जाते हैं, नहाना भूल जाते हैं, सिर्फ इंडिया को जिताने पर फोकस रखते हैं कि इंडिया जीत जाए। इंडिया को जिताने के लिए वो सब कुछ करेंगे लेकिन खुद को जिताने के लिए कुछ नहीं करते। वो इंडिया को जिताने के लिए दिन में 12 घंटे निकाल सकते हैं लेकिन वो 1 घंटा घर में बैठकर ये नहीं सोच सकते कि मैं सक्सेसफुल कैसे हूं। आज मैं सचिन तेंदुलकर के लिए तालियां बजा रहा हूं, आज मैं इंडिया के लिए तालियां बजा रहा हूं। ऐसा दिन कब आएगा जब लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे? ठीक है, लाइफ में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, राइट, बट ये नहीं कि उसके लिए पागल हो जाओ, उसके लिए अपने आप को ही भूल जाओ। अगर ये हैबिट आपके अंदर भी है तो इसे आज ही चेंज कीजिए। टिप्स नंबर 2, रिएक्ट। ये कभी अपनी गलती को नहीं मानते, इनका हमेशा एक ही नारा होता है कि गलती दूसरे की है। जब ये छोटे बच्चे होते हैं ये अपने माँ बाप की गलती निकालते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, मुझे अच्छे स्कूल कॉलेज में एजुकेशन नहीं दी, मुझे अच्छे कपड़े नहीं दिए, मुझे साइकिल नहीं लेकर दी, मुझे बाइक नहीं लेकर दी, राइट। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये उल्टा अपने बच्चों की गलती निकालते हैं कि मेरी तो औलाद ही गंदी है, मेरी औलाद तो किसी काम की नहीं है, ये कुछ करने के लायक नहीं है, मेरे तो रिश्तेदार, मेरे दोस्त सभी निकम्मे हैं, इन्होंने मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया। मींस की पूरी दुनिया की गलती निकाल देंगे, इनकी कभी कोई गलती नहीं होती। अगर ये कमजोरी आपके अंदर भी है तो इसे आज ही अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। टिप्स नंबर 3, जेलसी। इनको अमीर तो बनना है लेकिन अमीरों से नफरत करनी है कि इसने आईफोन कैसे ले लिया, इसने इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले ली, इसने इतना आलीशान मकान कैसे बना लिया। ये सारी उम्र उसे जेलसी करते रहेंगे बट उससे ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम क्या काम करते हो, तुमने ये सब कुछ कैसे अचीव किया, मुझे बताओ, मैं भी लेना चाहता हूँ, मैं भी अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, मुझे भी काम सिखाओ, मुझे भी ये प्लेटफॉर्म दिखाओ, बट नहीं, ओनली जेलसी। ये हमेशा उसकी सक्सेस पर जलते रहेंगे बट हिम्मत करके उसको ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। टिप्स नंबर 4, शो ऑफ। कुछ लोगों की सैलरी होती है 10,000, 15,000 बट हाथ में आईफोन 1.5 लाख वाला, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों को आईफोन के फायदे नहीं पता, उसके फीचर नहीं पता बट फिर भी लेना है, क्यों? उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। EMI पर आईफोन ले आएंगे, फिर 2 साल की अपनी सैलरी, 3 साल की सैलरी आईफोन को दे देंगे, राइट। वही दिमाग में टेंशन चलती रहेगी कि नेक्स्ट वीक EMI देनी है, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे, अगर सैलरी लेट हो गई फिर क्या होगा, राइट। यही टेंशन दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है उनके, फिर वो कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं, कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते। लोन लेना कोई गलत चीज़ नहीं है बट डिपेंड उस चीज पे करता है कि लोन किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है। जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो लोन लेते हैं मोबाइल फोन के लिए, गाड़ी के लिए, घर बनाने के लिए, बट जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो लोन लेते हैं ओनली बिजनेस के लिए। उनको पता है कि मैं 10 लाख का लोन लिया तो अगले साल वो 10 लाख का 20 लाख बना देंगे, 10 लाख बैंक को वापस कर दिया, 10 लाख उनका प्रॉफिट आ गया। इसे कहते हैं रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। टिप्स नंबर 5, स्टॉप लर्निंग। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने स्कूल कॉलेज कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, MBA कर लिया, राइट, अब हमने पढ़ना नहीं है, अब हमने सिर्फ पैसा कमाना है, अब हम स्टूडेंट ही रहे, अब हम बन गए प्रोफेसर, अब हमने सीखना नहीं है, अब हमने सिखाना है।
ये सोच सबसे गंदी सोच है। जो इंसान पढ़ना लिखना सीखना बंद नहीं करता, जो अपनी स्किल को इम्प्रूव करना बंद नहीं करता, हमेशा वही इंसान लाइफ में ग्रो करता है। और जो कहते हैं कि भाई हमें सब कुछ आता है, हमने सब कुछ सीख लिया, अब हमने कुछ नहीं पढ़ना, राइट, उनका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करता, उनका बिजनेस हमेशा डी ग्रोथ में जाता है। और जो हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझता है ना, जो हमेशा सीखता रहता है, उसकी तरक्की भगवान भी रोक नहीं सकता। टिप्स नंबर 6, नो इन्वेस्टमेंट। कुछ लोगों के पास खाने पीने का बजट होता है, कपड़ों का बजट होता है, घूमने फिरने का बजट होता है, इंजॉयमेंट करने का बजट होता है, लेकिन अपनी स्किल को इम्प्रूव करने का बजट नहीं होता। वो हर चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो कुछ नया सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो ये भूल जाते हैं कि अगर हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 1,000 का भी खर्चा करते हैं ना, तो उससे हम 1,00,000 कमाना सीख सकते हैं। अगर हम अपनी स्किल पर 1,00,000 का खर्चा करते हैं ना, तो 1,00,00,000 कमाना सीख सकते हैं। इसी मेंटेलिटी के कारण लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कुछ नया सीखते नहीं है, वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हर चीज फ्रॉड नजर आती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आज आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, राइट। तो आज जो भी मैंने आज आपको पुअर माइंडसेट के ऊपर 6 टिप्स बताए हैं, अगर आपको लगता है कि इनमें से एक भी कमी आपके अंदर है, तो उस कमी को आप आज ही दूर कर दीजिए, नहीं तो आप जहां पर आज हैं वहीं पर रहेंगे, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, राइट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।